अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले मालिक, आपने बिरवा को स्कूल से क्यों निकाल दिया? अनपढ़ होना क्या होता है, उसके हानि क्या होते हैं, मुझसे अधिक कोई नहीं जानता। बिरवा होशियार है, समझदार है, आपने ऐसा क्यों किया उसके साथ? ये छोकरी, बिरवा का बाप हूं ना मैं, इसलिए ऐसा किया उसके साथ। मने खबर छे कि होशियार विद्यार्थी है, गुजराती हिंदी अंग्रेजी वो फटाफट बोलती है, गणित में कमजोर है, पर अभ्यास करेगी तो सीख जाएगी। ने ऐसी शाला में नहीं पढ़ाना है उसको जहां अध्यापक कोई खबर नहीं कि उनके नाक के नीचे छात्र क्या कर रहे हैं। एंटवरा भेजूंगा मैं उसको, वहां पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कॉन्वेंट, खबर चाहता ना? पर मालिक, एंटोप इतनी दूर, वो भी अपने परिवार से अलग। परिवार से अलग एटले शू? अबे वो जाएगी तो हमको भी दुख होगा ना, पर शू करिए, करना पड़ता है माँ बाप को बच्चों की भलाई के लिए। बाकी भी छोकरियां जाती है ना अपने परिवार को छोड़कर विदेश पढ़ने को, बिरवा भी जाएगी। मालिक, आपने जो भी सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा, पर एक बार बिरवा से बात करके। ये छोकरी, बाप होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व क्या है तू मुझे मत समझाओ। खबर से मैंने बिना माँ के बच्चों को पाला है, कादंबरी का लगन करवाया ने, मौलिक को लगाया ने कारखाने में, ने हितिन को भी जो वचन दिया याद है मुझे, करा दूंगा उसका भी लगन तेरी बहन के साथ। जा बे, तेरी बहन को बुला। मालिक, वो खेमी बहना को ढूंढा जा रहा है। ढूंढा जा रहा है इतले शू, परी क्या जाती रही? वो हितिन भाई का लगन तो सौमिल भाई की बेटी तोरे के साथ तय हो गई है ना। शू बोला छे तू? हाँ, पेनबा ने बताया था, और रितिन भाई ने भी इस संबंध को स्वीकार कर लिया है। मालिक सुनिए, मालिक, ये डफोड़, सोमिल भाई के छोकरी के साथ लगन के लिए हाँ क्यों पाड़ी तूने? क्यों, आपको तो खुश होना चाहिए मिस्टर धर्मराज मैयावंशी। तारी अक्कल चरवा गई छे के? मैं क्यों खुश होऊंगा? आप ही तो कहते थे कि खेमी मेरी मासी लगती। आ तो लगती छे ना, और आप खुद मेरा रिश्ता तोरल के साथ जोड़ना चाहते। बंद कीजिए अपना ये नाटक। ये क्यों बोल रहे तू? बंद कीजिए ये नाटक, यही कह रहा हूं मैं। नाटक लागे छे तने? आप तो ध्यान थी संभड़ी ले भाईला, धर्मराज मैयावंशी को किसी के सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझो ने? नहीं, ये जो तू घड़ी घड़ी बोलता है ना मिस्टर धर्मराज मैयावंशी, बाप की जरूरत है तो धर्मपुर का मालिक खड़ा रहता है। इतला माटे मैंने बोला कि बाप बनकर तेरा साथ दूंगा, तेरा लगन करवाऊंगा खेमी के साथ, वचन देके गया था ना तुझे एंटवर्प जाने से पहले। वो भले तेरी मासी हुए, पर उसका भी रास्ता ढूंढ लिया था मैंने। ने तोरल के साथ लगन करने की बात पर हाँ पाड़ने से पहले पूछा नहीं तूने मुझसे? मैंने कोई हानि की तोरल से? मैंने तो पहले ही उससे कह दिया था कि मैं खेमी से प्यार करता हूं, उसी से लगन करूंगा, और वो भी किसी पेसी नाम के लड़के से प्यार करती है। ऐसा है तो लगन के लिए हाँ क्यों पाड़ी तूने? तोरल के लिए मैंने हाँ कहा, अपने लिए नहीं। आपके यहां आने तक उसे कुछ समय चाहिए ताकि वो पेसी को इंडिया बुलवाकर अपने डैड से मिलवा सके। अबे सोमिल भाई को क्या जवाब दूंगा मैं? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये मैंने और तोरल ने शुरू किया था और हम इसे खत्म करेंगे। ठीक है, जे करूँ कर। ने अबे जा, सो दो उस छोकरी खेमी को। तेरा बाप बनकर वचन दिया था ना कि तेरा लगन उसके साथ करवाऊंगा तो करवाऊंगा, तो आज तने विश्वास था से मारा पर, तारा बाप पर।
सांभड़ियो ना सुभद्रा, तेरा बड़ा सुपुत्र बोलता है कि मैं नाटक करता हूं, एक बाप का प्रेम एक बाप की चिंता उसको नाटक लगता है। अबे तू बता, मैंने तू जब से गई है पाल पोसकर उनको इतना बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए कि मेरे मुंह पे मुझको बोले कि मैं नाटक करता हूं। उसकी दृष्टि में उसके जीवन का सबसे बड़ा विरोधी बन गया हूं। धर्मराज मैयावंशी, जिसको गांव वाले भगवान समझकर पूछते हैं, अपनी संतान के लिए खलनायक बन गया है। तो मैं शू करूं, मैं उनको डांटता हूं, फटकारता हूं, दंड देता हूं, तो पीड़ा तो मुझे भी होती है ना, पर शू करूं, बाप हूं मैं, चिंता ना करूं अपने संतान की। मैंने लाग्यू कि मेरा निर्णय सुनकर मेरे दिकरे को ऐसा लगेगा कि धर्मराज मैयावंशी के अंदर उसका बाप रहता है, पढ़ाऊ तो है नहीं, बनेच नहीं, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहता कि मैं अपने संतान के लिए अच्छा पिता बनूं। अबे तूज मने बताओ के अबे तू शू लेवा भी चाहिए है? जाने अकेला छोड़ने जाने, अरे जाने बोला ने, तेरी बहन का लगन करा दूंगा मैं हितन के साथ, जा अबे। मालिक, आपने तो मुझे इतना भी अधिकार नहीं दिया कि मैं धीरज बता सकूं। मैं तो आपसे छुट्टा चला लेने वाली हूँ, पर नाना जी कहते हैं कि अगर इंसान के मन में कोई कपट ना हो, सच्चा हो, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आप इन सबके पिता हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो भी सोचा होगा वो ठीक ही होगा। मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे छुट्टा छिड़ ले लूंगी और फिर तीन भाई का भी लगन हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको वचन तो नहीं दे सकती, पर कोशिश जरूर कर सकती हूँ कि आपके बच्चे को ये एहसास दिला सकूं कि आप उनसे कितना प्यार करते। मुझे अब समझ में आया कि बीनमा ठीक ही कहती थी कि इस घर में मुश्किल इसलिए आई क्योंकि मैं इस घर में आई। केबी बीना अच्छी लड़की है, वो अगर इस घर में आएगी तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देगी, सब बीना को अपना भी लेंगे। मुझसे ज्यादा समझदार है, धीरज वाली है। मेरे इस घर में मुझे कोई याद भी नहीं करेगा और फिर मैं नाची और मूंगी का ख्याल रखूंगी, उन्हें भी तो मेरी जरूरत है। सब कुछ ठीक हो जाएगा मालिक। बिरवा कहाँ है चंपा काली? अरे रूम में हो गई। मौलिक बेटा, ए बस नीचे, कोई नहीं जाएगा उसको बुलाने, इन्हें भूख लाग से ना तो आपो आप आएगी। जय श्री कृष्णा। अरे आओ भाईला, आओ, आओ, आओ एकदम उचित समय पर आया। बस बस जमीले साथ है, चल। अरे कैसे भाभी आप? अरे अकेले क्यों आया? मेघना कहाँ? हाँ बाबू, क्या है ना कि घर में बहुत सारा काम है,
इसलिए मैं आप सबको निमंत्रण देने आ गया। आप सबको आना है। हाँ हाँ, तू नहीं भी आता ने तो मैं बिना बुलाया आ जाता। तुझे याद था मेघना का बर्थडे? अरे याद कैसे ना हो, तेरा जन्मदिन भूल सकता हूँ पर मेघना का नहीं। सुभद्रा की बेनपाणी थी ने, उसके कारण तो मैं सुभद्रा से मिला, याद छे के नहीं? क्या नडियम, अब हम दोस्त होने के साथ साथ समझी भी हैं, तो बस औपचारिकता पूरी करने आ गया। आज शाम को तुम सब लोग को आना है, घर में एक छोटा सा डांडिया और रास का फंक्शन रखा है, और भाई पार्टी का थीम है गरबी गुजरात। जितने भी कपल्स आएंगे उन सबको एक जैसे कपड़े पहने हैं, मतलब पति और पत्नी दोनों के कपड़ों का रंग एक होना चाहिए। इसलिए शाम को आने से पहले अच्छी तरह से याद रख लेना, ठीक है? तो लाल कुर्ता निकाला है और मैं पीली साड़ी ले आई। रसिक भाई ने कहा है कि एक जैसे रंग के कपड़े पहनने हैं। मैं लाल साड़ी पहन के आती हूँ। कौन से? मैं हूँ संतो। क्यों थे? ये बटन हलो। अरे आज पायल केम नहीं पहरी? तेरे पायल से खबर पड़ती है कि तू आ रही है। वो उसका जोड़ टूट गया है। तो वीर ले, पैर। पर ये तो मालकिन की पायल है। आज तो मालकिन की जो है ना डफोड़, मैं तो पायल पहनता नहीं। नहीं ये लाल साड़ी क्यों पहन के आई? ये लाल साड़ी पहनना था तो ये पीली साड़ी यहाँ के मुखी ने गई मुझे दिखाने के लिए। मैं अभी बदल कर आती हूँ। नहीं नहीं उबिर, बदलने जाएगा तो 1 कलाक लगेगा। तू पायल पहन, में लाल कुर्ता पहनता हूँ। आज पैरों में वो पायल बनवा रहे हैं जो इस घर की मालकिन पहनती है, और कुछ ही दिनों में मुझे ये बंधन भी छोड़ना है और इस घर की चौखट भी। आप दोनों को यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, 10 साल छोटी लग रही है अपनी उम्र से। कितने सालों के बाद आप दोनों को एक ही रंग के कपड़ों में देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री कृष्ण रानी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण। जी उतारो, जी उतारो बेटा। तुझे पता है मैं इधर क्यों आई हूँ? आज तुम दोनों को हंसते खेलते देखने के लिए ही आई हूँ। आपको और नाना जी को यहाँ साथ देखकर इस प्रसंग की खुशी और भी बढ़ गई। तेरे साथ ने प्रसंग ही ऐसा रखा है, न जाने बुढ़ापे में क्या क्या करवाएगी। अरे संतु, सुशांत,
चले। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण डैड। कम से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। मुझे भी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient. उबा शू करे तू भी अपने जीवन में थोड़ी खुशी ला। वटाटा ने मोड़ू फुलाई ने राख्यू छे जाने जरा नाच जा। मुझे नहीं नाचना। तू पण मारा जेवा छे नहीं। तेरा गुस्सा मुझसे कम नहीं है। तेरे को जो करने का कर। जरा हंसी लाया कर मोड़े पे कभी कभी यार। हेलो। हाँ दोरल, मैं कह रहा था। हाँ हाँ बाबा, जानती हूँ तुमने क्यों फोन किया। यही बताने के लिए ना कि डीएम अंकल आ गए हैं और अब मुझे अपने डैड से बात करनी पड़ेगी। डोंट वरी यार, मैं सब संभाल लूंगी। बस एक बार पेसी यहाँ आ जाए फिर सारी प्रॉब्लम खत्म। सीरियसली। शिट। अरे रे, दिखाई नहीं देता। अगर तुम्हारी गाड़ी से मेरे बछड़े को लग जाती तो क्या हुआ? तुरंत तुम ठीक तो ना? तुम्हारे सामने कौन है? अरे गाड़ी के सामने एक बछड़ा आ गया है। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। सुनिए, माय गॉड, ये तो खेमी है। हितिन कितना खुश होगा उसे देखकर।
तो मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं पागल तो नहीं हो? डांटे जा रही हो और तुम हंसे जा रही हो? बेवकूफ। बातोरन सब ठीक है ना? हितेन, आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। या जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, फिर से फोन काट दिया। ये लड़की भी नहीं, ये बोलती सरप्राइज है, निकलता शौक। पता नहीं इसकी सरप्राइज देने की बीमारी कब जाएगी। बड़े लोग होते ही ऐसे, पता नहीं अपने आप को क्या समझते। गरीबों को तो अब तो चिंता मत कर। सुनिए तो, कमाल है, अब तुम मेरे पीछे यहाँ भी आ गई। एक तो मेरे बछड़े को चोट पहुंचाई और ऊपर सी आई एम सॉरी, पर मैं सब समझती हूँ। अब क्या कहोगे तुम? तुम बड़े लोगों का यही तरीका होता है, एक तो अपनी आंखों पर पैसे की पट्टी बांध कर घूमते हो और ऊपर से वही पट्टी हम गरीबों के मुंह पर लगाना चाहते हो। नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मदद, अपने बछड़े का इलाज मैं खुद करवा लूंगी, समझी तुम? ओके। अरे कहाँ जा रही हो? एक तो मेरे पीछा करते करते यहाँ तक आ गई और ऊपर से मेरे पीछे पीछे घर में घुसी जा रही हो। क्या चाहती क्या हो तुम और मेरे पीछा क्यों कर रही हो? तुम्हारे हाथ की चाय पीना चाहती हूँ। क्या चाय? हाँ, देखो सॉरी तो बोल दिया मैंने, मतलब मैटर खत्म। अब मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ, राइट? तो दोस्त को चाय तो पिलाओगी ना तुम? और हाँ, कुल्हड़ में देना, जैसे तुम अपने गांव में देती थी। कौन हूँ तुम? मैं कौन हूँ वो बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम खेमी हो, राइट? तुम कौन? तोरल कौन? और तुम मुझे कैसे जानती हो? मैडम, मैं सिर्फ आपको जानती नहीं, बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। कैसे? सच सच बताओ, कौन हो तुम? मंगेतर हूँ, तुम्हारे हितेन की मंगेतर। चेहरा देखो तुम अपना, खेमी कैसे उतर गया है? अरे यार, मैं और हितेन घर वालों के सामने सिर्फ नाटक कर रहे हैं। नाटक? मैं कुछ समझी नहीं। सी, इट्स वेरी सिंपल। हितेन तुमसे प्यार करता है और मैं पेसी से। पेसी मेरा बॉयफ्रेंड। तो मैंने और हितेन ने सोचा कि क्यों ना हम शादी का नाटक करें, ताकि घर वाले हमारे लिए कहीं और रिश्ता ना देखें और हम दोनों को वक्त मिल जाए, ताकि हितेन तुम्हें ढूंढ सके और मैं पेसी को इंडिया बुला सकूं। जानते हो, मैं हर वक्त ये सोचती रहती थी कि ऐसा क्या है तुम्हें कि हितेन तुमसे इतना प्यार करता है। उसकी आंखों में हर वक्त तुम्हारा चेहरा रहता है। वो तुम्हारे अलावा ना ही किसी को देखना चाहता है, ना किसी को सुनना चाहता है। अपनी जिंदगी का हर लम्हा वो तुम्हें याद करके बिताता है। खेमी, सच बहुत लकी हो तुम। और अब तुम्हें देखकर लगता है मुझे कि बॉस वो जो भी कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक कर रहा है। मैं अभी ही तेन को फोन करके सब बताती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है अभी नहीं। खेमी, वो तुम्हें ढूंढने के लिए पागल हो रहा है और तुम क्यों? धन्यवाद रसिक भाई, बहुत मजा आया। अगली बार आपके जन्मदिन पर इसी तरह जश्न मनाएंगे। अरे इससे भी अच्छा प्रसंग होगा, देखिएगा आप। हैं, धन्यवाद। धन्यवाद भाभी जी। चलो बा, बहुत देर हो चुकी है, बच्चे भी थक गए। मुझे लगता है कि हमें धर्मपुर के लिए निकलना चाहिए। ठीक कह रही है बेटा, धर्मराज को कह के जाएंगे। हा? तो धर्मराज कहाँ है? वो वहाँ है। तू क्या चली? बेटा अब हमें जाना चाहिए। हाँ चलो चलो बा, मैं भी यही विचार रहा था। जा बुला विला बजाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर काइंड अटेंशन प्लीज। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि पार्टी अभी तक खत्म नहीं हुई है।
तो कोई भी घर जाने की बात नहीं करेगा। ओहो, क्या बात कर रही है? अरे सब गेस्ट लोग तो चले गए। अरे गेस्ट जा चुके हैं तो क्या हुआ, हमारे घर के सारे सदस्य तो यहाँ पर मौजूद हैं, और अपने घर के लोगों के साथ पार्टी का मजा ही कुछ और होता है ना गद्दू? हाँ डुगू। अब 10:30 बजे है, लेकिन मम्मी का जन्म 12:45 बजे हुआ था। इसका मतलब उनके बर्थडे के लिए तकरीबन 1.25 घंटा बाकी है, तो तब तक हम सेलिब्रेट करेंगे। और इसी सेलिब्रेशन के लिए हमने ऑर्गेनाइज किया है एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन। एक खुशखबरी और भी है, हमने ढोलक और हारमोनियम का इंतजाम भी कर लिया, तो चिंता वाली कोई बात नहीं। ये दिकरा, जरा टाइम तो देख, कितनी रात हो गई है, बच्चे सो गए, मुझे भी नींद आ रही है। सारा इंतजाम हो चुका है डैड, गेस्ट हाउस में सबके रहने की व्यवस्था हो चुकी है, तो अब कोई भी प्लान्स नहीं चेंज करेगा, आप भी नहीं। पापा, अपनी बेटी की नहीं तो कम से कम अपने दामाद की बात तो मान ले। चल ठीक से जे करूँ है कर, चल। ग्रेट। तो अब हम बात करते हैं इस सिंगिंग कंपटीशन के बारे में। इस कंपटीशन में हम सिर्फ पुराने गाने गाएंगे, नया गाना कोई भी नहीं गाएगा। और इस कंपटीशन में दो टीम्स होगी, एक लड़कों की और एक लड़कियों की। और गर्ल्स की टीम की हेड होंगी वसुधा नानी, और बॉयज टीम के हेड होंगे सौरभ नाना। और इस सिंगिंग कंपटीशन की शुरुआत करेंगी गर्ल्स टीम, यानी कि वसुधा नानी। यस। पर नाना, ये सब मुझे नहीं, मेरे नहीं बाबा। वारे वाह शशांक, क्या तुमने कमजोर उम्मीदवार चुना है, हारेगी ही हारेगी। देखा नानी, अब हम लड़कियों की इज्जत का सवाल है, आपको इन्हें दिखाना ही पड़ेगा कि हम लड़कियां क्या क्या कर सकती है। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, हो जाए मुकाबला, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। अब मैदान जंग में अटके हुए हो तो आक्रमण शुरू करो। ए, तुझे पुराने गाने आते हैं ना? मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, 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 जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे साथ हैं। मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, 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 मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। मेरा तीर तो निशाने पे लग गया, और आपकी बारी है अब तो। अरे जवाब हाजिर है। ये चांद सरोशन चेहरा, ये उनका रंग लिहरा, ये नीली नीली आंखें, कोई चांद है दुनिया गहरा। तारीफ करूं क्या उनकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या बनाया। अब है तुम्हारी बारी। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझे को दिया, मैंने दिल तुझे को दिया, रमैया चलो, रमैया रमैया वस्तावैया, रमैया वसावैया, रमैया वसावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया वसावैया, रमैया वसावैया, रमैया वसावैया, रमैया वसावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया वसावैया, रमैया वसावैया। बहुत अच्छा, ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। अब देखते हैं कि ये लड़के क्या करते हैं। ओ मेरी प्यारी बिंदु, ओ मेरी भोली बिंदु, ओ मेरी सुंदरी बिंदु, ओ मेरी सिंदूरी बिंदु, ओ मेरी बिंदुरी बिंदु, ओ मेरे प्रेम की नैया, बीच डोर में गुड़ गुड़ गुड़ते खाए, झटपट पार लगा दे, झटपट पार लगा दे, ओ
मेरी बिंदु दी बिंदु ओ मेरी बिंदु बीच नगर में गुड़ गुड़ गोते खाए झटपट पार लगा दे ओ झटपट पार लगा दे ओ झटपट पार लगा दे ओ बिंदु दी बिंदु। कॉलेज में भी हुआ था तेरे साथ। चल चल बेस बेस। वेरी गुड पप्पा। हाँ वन अप हो गया है। अब देखते हैं गर्ल्स टीम के पास कोई गाना है कि नहीं। चलो संतु जवाब दो इन्हें। मैं? हाँ इस बार तुम्हें गाना ही पड़ेगा। कोई नाटक नहीं चलेगा इस बार संतु। हाँ बेटा गा ले नहीं तो अपनी नाक कट जाएगी। हाँ हाँ बेटा। ये छोकरी चल ले सब बोल रहे हैं तो गाने चल। अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिले है कौन सी न वो समझ सके न हम किसी का प्यार लेके तुम नया जहाँ बसाओगे ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिले है कौन सी न वो समझ सके न हम। से देख रही हूँ बिरवा बहुत चुपचाप सी है आखिर हुआ क्या है उसे। बोल शु बात छे क्यों बुलाया। मुझे आपसे बिरवा के बारे में बात करनी थी। क्या हुआ है उसे आज पूरी शाम इतनी दुखी दुखी क्यों लग रही थी वो। हाँ डीएम जब हम अंताक्षरी खेल रहे थे वो अलग से अकेली खड़ी थी। कोई प्रॉब्लम है क्या। मुझे इतनी दूर नहीं जाना संतु। आज वो मैं कोई भी नहीं होगा। तुम नहीं होगी फू नहीं होगी नानी भी नहीं होगी। मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। क्या बात करो डीएम। माना कि बिरवा ने गलती की है पर उसकी इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। तुम उसे विदेश भेज रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते वो बच्ची है अकेली पड़ जाएगी। हाँ डैड माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ऐसा नहीं कर सकते। ने कर भी क्या सकते वही शाड़ा में रखता तो बात तो वही की वही रहती ना। हर घड़ी ध्यान कौन रखेगा उस पर। तू चिंता मत कर मैं जो कर रहा हूँ ना बरोबर कर। डीएम कभी कभी हम बच्चों का भला करते करते अनजाने में अपना बुरा कर बैठते हैं। बीरवा यहाँ से दूर तो चली जाएगी लेकिन वो हमारे दिलों से भी दूर हो जाएगी। वहां से कुछ बनकर तो आएगी लेकिन हमारी बनकर नहीं रह पाएगी। ठीक है अगर तुम्हें उसको वहां नहीं रखना है तो तुम एक काम करो तुम बीरवा को मेरे पास रख दो यहाँ रहेगी। यहाँ मैं हूँ कद्दू है हम दोनों उसे संभालेंगे और बीरवा को भी नहीं लगेगा कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है। आज मेरा जन्मदिन है अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो कोई भी गिफ्ट देना चाहते हो तो प्लीज मुझे बीरवा को दे दो। केवी बात करे छे समधन है तू मेरी। डीएम तुम्हारी समधन बने हुए अभी मुझे कुछ ही महीने हुए हैं। उससे पहले 25 बरस तक मैं तुम्हारी दोस्त थी ना। और वैसे भी कद्दू की सास मैं बाद में हूँ इनकी मासी पहले हूँ। मेरे पास यहाँ रहेगी बीरवा तुम्हें लगेगा नहीं वो तुम्हारे से दूर है और बीरवा को हम लोग अच्छे से संभालेंगे। वैसे माँ ठीक कह रही है कि हम उसे इतनी दूर ना भेजें। डैड इस उम्र में वैसे भी बच्चों को बड़ों की ज्यादा जरूरत होती है। प्लीज डैड मान जाओ। ठीक छे ये भी करके देखते। थैंक यू सो मच। पता है संतु
डीएम ने बीरवा को एंड्रो बेचने का फैसला टाल दिया है। क्या? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और जानती हो, वो बीरवा को मेरे पास रखने के लिए राजी हो गया है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि मालिक हमें मानेंगे। ये सब आपके कारण हुआ है। चलो, तुम्हारा कमरा आ गया। हाँ बोल बेटा। डीएम, मैं तुम्हें थैंक्स बोलने आई थी। क्यों? तुम लोगों ने मेरे इस बर्थडे को बहुत खास बना दिया। अरे, कई बात कर रहे थे। खैर, अब मैं तुम दोनों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँ। चलती हूँ। गुड नाइट। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। ए, चल जाने हमें जा। हाँ हाँ जा रही हूँ। चाबी क्या मुखी दीदी मेरे? मेरे पास है। लाओ। मैं खोल देती हूँ। चाबी कहाँ से मिली? कल आप चाबी कमरे में ही भूल गए थे। थैंक यू मालिक। ए डफोर्ड, तूने मेरा बक्सा खोला ना, तो धन्यवाद मुझे बोलना चाहिए। नहीं मालिक, आपने बिरवा को एंटो भेजने का निर्णय बदल दिया, इसलिए। हाँ तो पछी धन्यवाद मुझे भी बोलना चाहिए। क्यों मालिक? क्योंकि तूने हितेन के बारे में इतना सोचा ना, इतना माटे। अबे तेरी बहन वापस आएगी ना, तो दोनों का लगन करा के मैं अपने उत्तरदायित्व से छूट जाऊंगा। अने हाँ, तारा ने मारा छुट्टा छेड़ा ना कागड़िया तैयार छे। अंगूठो करी दे छे, न चिंता ना करती। सुई जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। नहीं मालिक, मुझे जमीन पर सोने की आदत है। तारा ने मारा छुट्टा छेड़ा ना कागड़िया तैयार छे। अंगूठो करी दे छे, न चिंता ना करती। चलो मेरे साथ। कहाँ? देखो, तुम्हारे कहने पर मैं रुक गई ना, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। चलो। ओह गॉड, यह तो नेटवर्क ही नहीं है। क्या नहीं है? कुछ नहीं, तुम चलो मेरे साथ, चलो।
ये नेटवर्क भी ना, आजा आजा आजा, मिल गया नेटवर्क। अब तुम यही खड़ी रहना, बिल्कुल भी मत हिलो। मैं हितेन को फोन लगा रही हूँ, ओके? हाँ बोलो तरह। सरप्राइज। मुझे पता था। सुबह सुबह फोन किया तो सरप्राइज देने के लिए फोन किया हो। अब बताओ क्या सरप्राइज है तुम्हारा? तुम्हारा सरप्राइज इस वक्त मेरे साथ है। बताओ तो रल। एक मिनट बाबा रुको, ये बात करो। टॉप क्यों? हेलो, खेमी? कैसे हो तू? खेमी कहाँ हो तू? क्यों चली गई? तुम तो यहाँ आने वाली थी, फिर क्यों नहीं आई? खेमी मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, हर गांव में ढूंढा तुम्हें मैंने। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, बहुत बुरा किया है तुमने मेरे साथ। संतु ने तो कहा था कि तुम जन्माष्टमी के दिन यहाँ आने वाली हो वापस, फिर क्यों नहीं आई? खेमी क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? कैसी हो तुम? मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ हितेन। मैं चार दिन बाद आ जाऊंगी एकादशी पे। नहीं खेमी, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं आज ही तुम्हें लेने आया। नहीं हितेन, मैं चार दिन बाद आ जाऊंगी। मुझे तोरण ने सब कुछ बता दिया। ठीक है खेमी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुनो, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। नहीं तोरण। नो वेज, पहले भी ऐसा ही बोलकर तुम नहीं आई थी। नहीं तोरण, इस बार मुझे आना ही होगा। तुम चिंता मत करो, विश्वास रखो, मैं पक्का होंगी। पक्का? मुझे इस बार तो आना ही होगा, और जब मुझ पर गुजरी असलियत सबके सामने आएगी, ना जाने वो हम सबकी जिंदगियों को आसान या और पेचीदा बना देगी। हे खोडियर माँ, मुझे सच्चाई सामने लाने में मदद करना। तू ने मेघना, सास बहू कम ने दोस्त ज्यादा दिखते हो। तेरी माँ होती ने तो बहुत खुश होती। कद्दू, वो आ रही। खेमी वापस आ रही एकादशी के दिन। मैंने अभी भी खेमी से बात की। ये क्या बेवकूफी थी हितेन भाई, डैड के सामने क्या बोल गए तुम? अब चलो देखते हैं डैड कहाँ है। सामड़ो सामड़ो मारी बात। हाँ बोल ना डियम, क्या बात है? समाचार है शुभ, हम सब यहाँ आए ने तेरे जन्मदिन का प्रसंग मनाने। हवे सबको धर्मपुर आना पड़ेगा, हमारे घर, त्यां पण प्रसंग छे। उत्सव? पर ना तो बाने बताया ना संतों ने, बात क्या है डीएम? अरे मुझे भी नहीं खबर थी, अत्यारे ज खबर पड़ी। ये इतने की खेमी से बात हुई कि चार दिन बाद वो एकादशी के दिन आ रही है। मैं इनकी मंगनी करा के अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि ये बात आप कहें। कल तक जो मासी और भांजी के रिश्ते के विरुद्ध थे, आज वो खुद कह रहे कि मेरा लगन करेंगे। ये दिख रहा, आम खाने पेड़ क्यों गिनता है? चल जरा हंसी लाने मोड़े पे, तेरा काम हो गया ना? बस खुश रहे। बस मेरी
आपसे एक ही विनती है कि छुट्टा छेड़ा स्वीकार कर लीजिए। तारा ने मारा छुट्टा छेड़ा ना कागड़िया तैयार छे, अंगूठो करी दे छे। चलो चलो निकलवानी तैयारी करिए, हमें तुरंत धर्मपुर के लिए निकलना है। बेटा कांजी आया था क्या? हाँ वो अभी अभी कहीं गए, कह रहे थे कि एक घंटे में वापस आ जाएंगे। अरे संतु तू? नाना जी सब कुछ ठीक हो गया, खेमी बहन वापस आ रही है। क्या खेमी बहन आ रही है? हाँ मुंगी। और नाना जी मालिक ने खेमी बहना की सगाई तय कर दी तेन भाई के साथ। हाँ माधो काका, इटला माटे मैं पोते आया हूँ आपको आमंत्रित करने। आपकी दोहित्री खिमी का लगन मैं अपने बेटे हितेन के साथ करवा रहा हूँ। अने आपके मन में जो दुविधा थी ना कि आपकी दोहित्री मेरे बेटे की मासी है, उसके बारे में आप चिंता मत करना। तुम्हें बस प्रसंगना दिवसे सांजे आ भी जाओ, अने चल जय श्री कृष्ण। तो बेटा क्या खेमी को पता है कि उसकी सगाई हो रही है? हाँ नाना जी। जिस बात के कारण खेमी हमें छोड़कर चली गई थी, वो जानते हुए भी वो हितेन से शादी करने आ रही है, अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने आ रही है। ये कैसा निर्णय लिया है तुमने धर्मराज? तरुण ने कौमिल भाई की बेटी तोरल के साथ हितेन का लग्न तय किया है, और यहाँ पर तुम खेमी के साथ हितेन का लग्न तय कर रहे हो, और ये जानते हुए भी कि खेमी उसकी मासी है। नाना जी बोरे ने मैंने बात करो, मैंने खबर से बापू जी, मैं भी इस रिश्ते के विरुद्ध था, पर फिर क्या हुआ पापा? अब ये फैसला क्यों? अरे हम सौमिल भाई को क्या मुंह दिखाएंगे? तुझे अपना मुंह दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना, हूं बात करी ले सुमिल भाई जोड़े। हितेन और खेमी का लगन कराने का निर्णय लिया मैंने, अब ये निर्णय बदल नहीं सकता। माना तू बाप की तरह सोच रहा है, वो धर्मपुर के लोगों का क्या, उनकी भावनाओं का क्या, और उस न्याय का क्या जो धर्मराज के नाम से जुड़ा हुआ है? संबंधों की एक मर्यादा होती है धर्मराज, रीत रिवाज और समाज जैसी भी कोई चीज है। मैं इस रिश्ते से जरा भी सहमत नहीं हूं। नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका यह निर्णय धर्मपुर में एक समस्या खड़ी कर देगा। भले ही धर्मपुर गांव उसने बताया हो, धर्मपुर का मालिक हो, पर गांव वालों की एक अपनी मान्यता होती है, सर झुका के हर हुक्म सहने वाले ये अधर्म सहन नहीं कर पाएंगे। हितेन खेमी तुम्हारी मासी लगती है, यह आपकी सोच है नाना जी, पर मैं लगन करूंगा तो सिर्फ खेमी से, मैंने सोच लिया। क्या हो गया धर्मराज को, अचानक परंपरा उसकी नजर में छोटी कैसे हो गई? बाप संतु तुझे बुरा लगे तो माफ कर देना,
मुझे स्वीकार नहीं है बेटा, मौसी और भांजे का लग मैं स्वीकार कर भी लूं, पर हितेन और धर्मराज की बदनामी का क्या? बेटा तू धर्मराज और खेली को समझा, मासी और भांजे का लग्न नहीं हो सकता बेटा। बाप, ना ही मालिक कोई गलती कर रहा है और ना ही ये लगन पाप है। तू क्या कह रही हो, तुझे पता है उनका रिश्ता क्या है? बाप, ये रिश्ता नहीं हो सकता था, पर अब ये रिश्ता हो सकता है। मतलब वो हितेन की मौसी लगती है? अब नहीं रहेगी। कहना क्या चाहती? बाप, हितेन भाई का रिश्ता केमी पहना से इसलिए कि मैं हितेन भाई की माँ लगती हूँ। अगर मैं हितेन भाई की माँ ही ना रहूँ तो फिर ये रिश्ता हो सकता है? तू कहना क्या चाहती? साफ साफ क्यों नहीं बताती? मालिक और मैंने एक दूसरे को छुट्टा चेहरा देने का निर्णय कर लिया है। क्या? हमने निर्णय इसलिए लिया ताकि हितेंद्र और खेमी बहना का लगन हो जाए, दोनों अपना घर बसा ले, इस घर में खुशी और शांति आ जाए। एक बार छुट्टा छेड़ा हो जाए तो फिर खेमी बहना हितेंद्र भाई की मासी नहीं लगेगी। मालिक को कोई गलत नहीं कहेगा, उन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, धर्मपुर के मालिक का मान भी नीचा नहीं होगा। सुनिए, आज मुझे आभास हुआ है कि अपने संतान के मुख पर खुशी देखने का आनंद क्या होता है। मैं जो तेरे हितेन के लिए कर रहा हूं ना, वो बिल्कुल गलत धर्मराज। मेरे मन में तेरे लिए बहुत आदर है बेटा कि सुभद्रा न होते हुए तूने उसको जिंदा रखी है, और मैं नहीं चाहती कि ये आदर में कुछ कमी हो जाए। संतु को मैंने मेरी बेटी मानी है, और उसको तलाक देना और उसका अपमान करना और मुझे भी दुख पहुंचाना वो निर्णय तुम नहीं ले सकते, उसकी सम्मति हो तो भी। जो बात, मेरी बात खत्म नहीं हुई धर्मराज। क्या सुख मिला मेरी बेटी को इधर, क्या मान मिला? औरों की तो छोड़, तेरी बात कर। उसका दर्जा और अधिकार दिया जो एक पति अपनी पत्नी को देता है, बंदीनी बनाकर रख दिया है उसको, और आजाद कर दिया तो पूरे रिश्ते से। तू संतु को छूटा चेड़ा नहीं दे सकता, ये निर्णय तू नहीं ले सकता। क्यों किया तूने ऐसा? मेरी संतान के लिए लिया बा। हितेन, कादंबरी, मौलिक, बिरवा, सूरज, उनके लिए निर्णय लिया। हितेन बरोबर बोलता है कि जारे बाप जोइए तो सामे धर्मपुर का मालिक खड़ा होता है। मुझे भी लगा कि कदाच मैं इन्हें ऐसा कुछ कभी किया नहीं जिसके कारण मेरी संतान मुझे गले लगावे अने मुझ पर गर्व करे। इतला माटे हवे करूँ छू, ये जो मारी बात संभाल। छोकरी के साथ मेरा संबंध था, तारी बात बरोबर छे, पण साथ तो कभी जुड़ा नहीं ने। उसका ने मेरा लगन एक समझौता था बस, अने हितेन उसकी बेन से खरेखर प्रेम करता है तो सच्चे प्रेम के लिए समझौता तोड़ देवे तो एमा सु खोटू छे बा। ये वो छोकरी भी यही चाहती है। ये जो ने आटला वर्ष पछी मने आभास थयो छे, मौको मळ्यो छे कि मैं एक बाप एक पिता बन सकूं। तू मुझे अपना बेटा बोलती है ना, तो बस अबे आशीर्वाद दे कि मैं अपनी संतान के लिए अच्छा बाप बन सकूं। बस
वाह, तुझे तो हितेन की नजरों में मान मिल जाएगा। हितेन को प्यार, संधु को इसकी बहन की खुशी मिल जाएगी, पर मुझे मेरी बेटी खोनी पड़ेगी। अरे केवी बात करे छे बा, एक बेटी खोके दूसरी बेटी मिल रही है ना तुझे खेमी। पर तेरा क्या होगा धर्मराज? मारो सूच है बा, तू ने बापूजी ने बदा छोकराओं ने घर ने कारखाना सब मेरा ही है ना। और संतु, वो तो इस करके सब संबंध तोड़ के चली जाएगी ना। सारू छे ना, मुझसे छुट्टा छेड़ा लेगी तो उसकी उम्र के किसी छोकरे के साथ उसका लगन होगा, बरोबर कि नहीं? पर तू खुश रह पाएगा बेटा? हास तो बची, घर में सब खुश होए तो घर का मालिक तो खुश होए कि नहीं? ने पची सुभद्रा है ना मेरे साथ, आज तक उसके साथ जीवन जिया ना, आगे के चार दिन भी जी लूंगा उसी के साथ। ये वो छोकरी माटे पण सारू ज छे, मेरे से छुट्टा छेड़ा लेगी खुश रहेगी। बार मेरी बेटी को तो छीन रहा है, पर उसके अहम को चोट मत लगाना। तूने हर एक के साथ न्याय किया है, तो मेरी संतु के साथ भी न्याय करना। और संतों की सजा यही है ना, वो खेमे की बहन है, और मेरा क्या? मेरी बेटी तो तूने छीन ली ना, छीन ली ना तूने मेरी बेटी को। अरे शू करे छे तू, हमारा रड़वानू शू छे? आ अय्या, अरे आवने कहते थे मैं बहुत परेशान करती हूँ, अब बोलो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? थैंक्स कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है तोरण। अच्छा ये बताओ कि खेमी कैसे मिली तुम्हें, कहाँ ढूंढा तुमने उसे? अरे यार ढूंढा ऊंडा कुछ नहीं, वो कहते हैं ना जिसे ढूंढते हैं उसे खो देते हैं, अगर ढूंढने निकलती तो तुम मिलते क्या? अरे यार फिर से सीरियस हो गए तुम, मजाक कर रही हूँ। देखो हुआ यूं कि छोटा सा एक गांव है बरोड़ा के आसपास, क्या नाम है उसका, हाँ जामलीपुर, वहीं पर मिली वो। अब देखो क्या हुआ कैसे मिली वो सब बाद में, फिलहाल तो मैं एक चीज देखने आई हूँ और वो है तुम्हारे चेहरे की खुशी जो साफ दिखाई दे रही है। अरे ये क्या ही तेन? फिर से वही सड़ी हुई शक्ल बना दी। Come on यार, हसो, smile, Khemi is back। तोरल, जब खुशी इतनी बढ़ जाए कि मन में ना समाए, तो आंखों से आंसू बाहर आ ही जाते। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया तुमने, कभी नहीं भूलूंगा तुम्हें। अच्छा मिस्टर, तुम भूल जाओगे और मैं तुम्हें भूलने दूंगी। माना कि तुम्हारी शादी खेमी के साथ हो रही है, लेकिन कभी कभी मेरे साथ शॉपिंग पर जरूर आना है तुम्हें। आओगे ना ढेर सारा सामान पकड़ने? आऊंगा। तुम जानती हो दोरल, तुम्हारे जैसा एक ही पीस है, तुम सबसे अलग। पता है, पर एक बात पूछूं, खेमी के आने से इस अलग दोस्त को भूल तो नहीं जाओगे ना? दोस्ती निभाओगे ना हितेन? हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। हाँ पर एक और वादा करता हूँ तुमसे कि तुम्हारे और पेशी की शादी मैं और खेमी मिलकर करवाएंगे। प्रॉमिस। थैंक्स। आओ। ये दागीना तेरे बेन के लिए है।
उसकी लगन के लिए। देख ले जरा, ठीक छा? वर्षों से ये दागिने जमा कर रहा हूं अपनी बहुओं के लिए। बहुत अच्छे। खेमी बहना एकादशी के दिन वापस आ रहे हैं। हाँ, खबर से मैंने। समय बहुत कम बचा है और प्रबंध बहुत सारा करना है। तुझे तेरे घर पे भी प्रबंध करना होगा ना? जी, मैं ज्यादा समय यहीं बिताकर काम करना चाहती हूँ। छुट्टा छेड़ा के बाद तो सारे संबंध टूट ही जाने वाले। जाने से पहले मैं अपने बेटे का लगन करवाना चाहती हूँ। तेरी बहन को अगर इस घर में आना है तो तुझे तो जाना पड़ेगा ना? कागड़िया भी तैयार है, मोटी बहन के पास पड़े हैं। पर जब तक खेमी आ नहीं जाती तो बाहर किसी को इस बारे में बताना मत। बाप बापू जी को खबर है, दुखी है, पर मैं संभाल लूंगा। समझी गई ना? पर मालिक, खेमी बहन और रितिन भाई की सगाई के दिन अगर लोग सवाल करेंगे तो? तू चिंता मत कर, मैं हूं, संभाल लूंगा। चल जा रहे। अरे यहां सांभ, रुपये की चिंता मत करना, जितना चाहिए उतना ले लेना। बहुत नसीबदार है मेरी खेमी बहना, जो उन्हें आपको और मालकिन का आशीर्वाद मिल रहा है, और रसा मंत्री भी। कुछ लोग के नसीब में अकेले जीना लिखा है मालिक, और उन्हीं लोगों में से शायद मैं और आप हैं। अब मालकिन की याद में जीवन बिता लेंगे और मैं आपकी, पर फिर भी मैं खुश रहूंगी, क्योंकि ये जीवन तो आपसे ही जुड़ा रहेगा, आंसुओं के सहारे ही से।